दोस्तों तीन उंगल से मैं पॉम पॉम बनाना बता रही हूँ आपको। इसको हम 50 to 70 टाइम्स 3 फिंगर्स पे लपेटेंगे और उसके बाद इसको बांध के कैंची से कट करेंगे, जो बहुत ही खूबसूरत लगेगा, आपका प्रोडक्ट की ब्यूटी और बढ़ा देगा। हाँ दोस्तों, अगर पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मेरा प्रोडक्ट अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। देखिए अब हमने इसको बांध के इसको कट करेंगे, ये देखिए कट करके फिनिशिंग आ जाएगी। ये जो एक्स्ट्रा ऊन है उसको कट करेंगे और गोलाई में लेके आएंगे उसे, और बहुत ही सुंदर ये देखिए, और बेबी के कोई भी प्रोडक्ट में, आपको वूलन प्रोडक्ट में ये बहुत सुंदर लगते हैं। ये देखिए एक हमारा बन गया, अब हम दूसरा बना रहे हैं। 50 to 70 टाइम्स हमें लपेटना है इसे, और बहुत पहले में हमने 70 टाइम्स लपेटा था तो इसे भी 70 टाइम्स लपेटेंगे ताकि सेम साइज़ में हमारा बने। उसके बाद इसको बांधेंगे, जो बहुत ही ये देखिए हमने कट कर दिया। अब इसको सेंटर पॉइंट से डबल वूल से बांधेंगे ताकि वो मजबूती आ जाए, और 3-4 गठान बांधेंगे ताकि वो उसमें मजबूत रहे, वो ढीला नहीं होना चाहिए, बहुत टाइट, जितना टाइट उतना सुंदर बनेगा। और ये देखिए हमने कट करा, बहुत ही सुंदर लगेगा। किसी भी प्रोडक्ट पे लगा दें आप, मोजे की डोरी पे लगा दीजिए इसको, इस पॉम पॉम को टोपी में भी लगा सकते हैं, कैप में भी लगा सकते हैं, बहुत सारी जगह इसका यूजेज है, मल्टी यूजेज है ये पॉम पॉम, जो वूलन पॉम पॉम है वूलन क्लोथ्स में बहुत अच्छे लगते हैं। आप भी बनाइए, बिगनर्स भी बना सकते हैं, बहुत इजी है और बहुत बहुत ही सुंदर। देखिए कितना सुंदर दोनों पॉम पॉम है हमारे तैयार, थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा जो है उसको फिनिशिंग टच दे रहे हैं हम, बहुत ही सुंदर दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत।